पाकिस्तान पॉप म्यूजिक की तारीख में जो चंद नाम अब तक सुनहरी हरूफ में दर्ज हुए हैं, उनमें से एक नाम जुहैब हसन और नाजिया हसन का है। जुहैब हसन ने अपनी बहन नाजिया हसन के इश्तराक से जदीद गायकी की दुनिया में वो जादू जगाया जिसकी गूंज एक जमाने की याददाश्त में महफूज है। पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक की शुरुआत में जिन पाकिस्तानी गुलकारों को मुलगीर और आलमी सतह पर तवज्जा मिली, इस मंजरनामे में इन दोनों बहन भाइयों का नाम भी सरफरिस्त है। जुहैब हसन और नाजिया हसन ने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। पाकिस्तान में 80 और 90 की दहाई में पॉप म्यूजिक के लिए उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। पूरी दुनिया में आज भी उनकी आवाज और गायकी के लातदाद मदा मौजूद हैं। गुलकार जुहैब हसन 18 नवंबर 1966 को कराची में पैदा हुए। आपका बचपन कराची और लंदन में गुजरा। आपने अपनी एजुकेशन लंदन में ही मुकम्मल की। 1980 में जब नाजिया और जुहैब का पहला एल्बम डिस्को दीवाने रिलीज हुआ तो वो बरेसगीर के लिए पहले कम उम्र पॉप सिंगर बन गए। जुहैब हसन के पहले एल्बम की तकरीबन 300 मिलियन कापी फरोख्त हुई, जो कि बरेसगीर में और पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड था। नाजिया हसन जुहैब हसन की बड़ी बहन थी, जबकि जुहैब हसन की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम जोहरा हसन है, वो भी इंग्लैंड में सेटल हैं। अनवर मकसूद के एक प्रोग्राम में जुहैब हसन अपनी छोटी बहन जोहरा हसन को भी वहां पर लेके आए थे। दोनों बहन भाइयों ने मौसीकी की इब्तदाई तालीम पाकिस्तान के मरूफ मौसीकार सुहेल रैना से हासिल की थी। जुहैब हसन की बहन नाजिया हसन ने 1975 में 10 साल की उम्र में पहली मरतबा बच्चों के प्रोग्राम कलियों की माला में शिरकत की थी। उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन से ही नशर होने वाले बच्चों की मौसीकी के प्रोग्राम संग संग चलते रहना में दोनों बहन भाई शामिल हुए थे। हमें मालूम है कि सुहेल राणा की क्यादत में जब प्रोग्राम संग संग चलते रहना पाकिस्तान टेलीविजन पर चलता था, उस प्रोग्राम में शामिल होने वाले बहुत सारे बच्चे आगे जाकर बड़े गुलकार बने। जबकि नाजिया हसन और जुहैब हसन जदीद मौसीकी की तरफ रागब हुए और उन दोनों ने इस राह को इख्तियार किया और कम उम्र ही में ही शोहरत समेटी। उनके उस्ताद सुहेल रैना का यह भी कहना था कि मैंने बहुत सारी आवाजें सुनी हैं, लेकिन इन दोनों की आवाजें अपनी नौयत की मुख्तलिफ आवाज हैं। नाजिया हसन 15 साल की उम्र में जनूबी एशिया की जदीद मौसीकी की अहम तरीन आवाज बन गई और उनका गाना फिल्म कुर्बानी के लिए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए बहुत मकबूल हुआ और उन्हें उस पर पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। लेकिन वो अपने छोटे भाई जुहैब हसन से बहुत प्यार करती थी। वो हर जगह उसे अपने साथ रखती थी। उनकी मोहब्बत उनकी तस्वीरों से भी आप देख सकते हैं। जुहैब हसन और नाजिया हसन अपनी शोहरत को मुस्तैल तौर पर कायम इसलिए भी रख पाए थे क्योंकि उनकी पुश्त प्यार बद्दू जैसा मौसीकार था जो नाजिया और जुहैब के लिए नित नई दुने तख्लीक करता था। जुहैब हसन और नाजिया हसन की आवाज को मौसीकी की दुनिया में नेजल वॉइस कहा जाता है, यानी ऐसी आवाज जो हलक के साथ साथ नाक से भी आए, और उनके मौसीकार बदू इस साक्त को समझते थे और उन्होंने उसी आवाज के तनाजर में धुने भी तरतीब दी थी। जुहैब हसन और नाजिया की पहली एल्बम डिस्को दीवाने के ज्यादातर गीतों की धुने बदू ने बनाई, जबकि उनके अलावा अरशद महमूद और जुहैब हसन ने भी कुछ गीत कंपोज किए। उस एल्बम में जिन शोरा के कलाम पर गीत कंपोज हुए थे उनमें नाजिया जुहैब की शायरी के अलावा उर्दू के मरूफ शायर मीरा जी और निगार सुभाई का कलाम और फरूख कैसर के गीत शामिल किए गए थे। जुहैब और नाजिया की दूसरी एल्बम का नाम था बूम बूम। एक्चुअली ये गीत उन्होंने सबसे पहले तैयार किए थे बॉलीवुड फिल्म स्टार के लिए और इन गीतों को बदू ने खुद जबकि नाजिया और जुहैब ने मिलकर लिखा था। जुहैब हसन और नाजिया की तीसरी एल्बम थी यंग तरंग। उसके मौसीकार भी बदू थे, लेकिन शायरों में नाजिया और जुहैब के अलावा अमित खन्ना और सबा अख्तर शामिल थे। जुहैब हसन और नाजिया हसन की चौथी एल्बम हार्टलैंड थी। इस एल्बम का म्यूजिक बदू ने ही दिया था और इसके वो प्रोड्यूसर भी थे, जबकि नाजिया हसन के साथ साथ साबर जफर के कलाम को एल्बम का हिस्सा बनाया गया था। इस एल्बम को भी बेपनाह शोहरत मिली थी। इस एल्बम की खास बात यह थी कि इसमें नाजिया और जुहैब की तीसरी बहन जोहरा हसन ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया था और तीनों बहन भाइयों ने मिलकर गीत गाए। मशहूर जमाना गीत दोस्ती इसी एल्बम का गीत था। जुहैब और नाजिया हसन की पांचवी एल्बम का नाम था कैमरा कैमरा।
इस एल्बम में उनके रवायती मौसीकार बदू के अलावा दूसरे मौसीकारों ने भी गीतों को कंपोज किया था, जिनमें बप्पी लहरी, कैंडियन मौसीकार गोर्डन और पाकिस्तानी मौसीकार मियां यूसुफ सलाउद्दीन वगैरह शामिल थे। उनके पांचवें एल्बम कैमरा कैमरे की थीम नशियात के खिलाफ मुहिम पर मबनी थी और ये दोनों बहन भाइयों की आखिरी एल्बम थी। इसके बाद दोनों ने ऐलान किया था कि मजीद वो कोई एल्बम जारी नहीं करेंगे। सुहेब हसन की बड़ी बहन नाजिया हसन कैंसर की वजह से 13 अगस्त सन 2000 को लंदन में अपने खालके कीकी से जा मिली थी। नाजिया हसन की डेथ से तकरीबन 10 दिन पहले उनके शोहर इश्तियाक बेग ने उन्हें तलाक दे दी थी। नाजिया हसन का इश्तियाक बेग से एक बेटा अरेज था। नाजिया हसन की डेथ के बाद जुहेब हसन भी मौसीकी को ज्यादा देर तक कंटिन्यू न रख सके और लंदन में जा बसे और वहां जाकर उन्होंने अपना कारोबार करना शुरू कर दिया और वहीं पर ही उन्होंने गीना नामी खातून से शादी कर ली, जिससे उनके 3 बच्चे यानी के 2 बेटियां और 1 बेटा है और वो लंदन में सेटल हैं। जुहेब हसन ने अपने बच्चों के साथ साथ अपने भांजे जो कि नाजिया हसन का इकलौता बेटा था अरेज हसन, उसका भी ख्याल रखा और उसको अच्छी एजुकेशन दिलवाई और नाजिया हसन का बेटा लायर यानी के वकील बन चुका है और लंदन में ही सेटल है। दोस्तों ये थी कहानी आपके और हमारे पसंदीदा गुलकार जुहेब हसन की। अगर आप इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो, इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जबकि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I'm Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.